सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्लीज वर्कशीट नंबर 6 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 7 English medium students. It has taken from the subject science and we will understand the topic heating effect of electric current in this worksheet. तो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आप सब लोगों से करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे जिन्हें कभी प्रेस से कुछ गर्म लगा है या आपका हाथ जल गया हो, जो आयरन होती है इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसको कभी आपके वो छुई हो और आपका हाथ जल गया हो, या फिर कभी जैसे घर में पानी गर्म करने की रॉड होती है कभी वो आपको टच हो गई हो। तो ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? शायद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन हम उसको कहीं कोई फायर लगा के तो गर्म कर नहीं रहे, जैसे कि हम पानी जैसे हम गैस पर पानी गर्म करते हैं या खाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी तेज़ गर्म होता है। आखिर उसका रीज़न क्या है? तो यही जानने के लिए आज की वर्कशीट हम अब शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। स्नेहा हैज सीन हर मदर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटर फॉर कुकिंग फूड एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन फॉर स्ट्रेटन हर क्लोथ्स। तो देखिए कि सुनीता ने देखा कि उसकी जो मदर हैं वो इलेक्ट्रिक हीटर को फूड कुक करने के लिए यूज़ कर रही हैं और एक इलेक्ट्रिक आयरन को यूज़ कर रही हैं ताकि उनके जो क्लोथ्स हैं वो स्ट्रेटन हो जाएं, बिल्कुल उनके अंदर जो सलवटें आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएं। शी थॉट Why my mother uses an iron and electric heater? तो उसने सोचा कि ये मेरी मदर वो आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर आखिर यूज़ क्यों कर रही हैं? How do they work? ये कैसे वर्क करते हैं? Then रवि हर ब्रदर, याद है ना रवि, लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था कि किस तरह से उसने अपने सिस्टर की डायग्राम को ड्रॉ करने में हेल्प की थी। रवि हर ब्रदर एक्सप्लेन that this happens due to the heating effect of the electric current, यानी ये सब किसके कारण होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि फ्लो होता है थ्रू द वायर, उसके हीटिंग इफेक्ट के कारण ये सब होता है। When an electric current flows through a wire, the wire gets heated. It is called the heating effect of the electric current. For example, when we switch on the geyser, water becomes hot. तो ये सब आप देखिए बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वायर हीट हो जाती है और इसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में होता है। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जिसमें हम इस हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट्स फाइंड व्हाट आर दे आर इलेक्ट्रिक आयरन, जो कि शायद सबके घरों में होती है और इसको हम अपने क्लोथ्स को स्ट्रेटन करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड देन इलेक्ट्रिक हीटर, और अभी आप देखिए कि कुछ दिनों में विंटर आने वाली है, हमें थोड़ा सा ठंड का एहसास शुरू हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करना शुरू कर देंगे। इसी से ही उसका हीटिंग इफेक्ट आता है और हमारा रूम हॉट हो जाता है, उसका टेम्परेचर हॉट हो जाता है। देन इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसमें जो टी आप कॉफ़ी कुछ भी बनाइए बहुत इजीली बन जाती है, इवन जो वाटर है वो भी जस्ट 1 मिनट में ही वो एकदम गर्म हो जाता है। एंड देन इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर तो
हम सभी यूज़ करते हैं, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, वो अपने बालों को कुछ अच्छा स्टाइल देने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें भी इस हीटिंग इफ़ेक्ट को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप देखिए, याद करिए कि जब भी आप बार्बर शॉप पे जाते हैं तो वो हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं आपके बालों को अलग अलग स्टाइल देने के लिए। तो वो ये जो हेयर ड्रायर है वो भी इसी इफ़ेक्ट का यूज़ उसमें किया जाता है। एंड देन इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रिक रॉड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा अप्लायंस है जो कि आपके पानी को गर्म करता है। जैसे कि अभी सर्दियां आएंगी तो हम इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे। एंड द लास्ट इज़ इलेक्ट्रिक टोस्टर, टोस्टर जिसमें बढ़िया बढ़िया ब्रेड बिल्कुल करारी करारी एकदम सिक जाती हैं, तो इसमें भी इसी इफ़ेक्ट को ही यूज़ किया जाता है। देन आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोर अबाउट हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ द करंट। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटीरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। तो देखिए क्या होता है कि कुछ वायर्स ऐसी होती हैं, उसमें कुछ ऐसा मटीरियल होता है जो कि बहुत जल्दी ही वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। कैसे? जब लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास थ्रू होता है, तो इन्हीं वायर्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपके सामने बना रखा है, फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। और बहुत सारे अप्लायंसेस में कभी आप ध्यान से देखिएगा, उसमें ये यूज़ होता है। आखिर इसका क्या फंक्शन है, ये क्यों यूज़ होता है, लेट्स फाइंड। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। तो आपको याद है ना कि लास्ट वर्कशीट में हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ा था कि जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फ्लो एकदम बहुत ज़्यादा हो जाए जिससे वो सर्किट ही डैमेज हो जाए या फायर हो जाए, एकदम फायर आग लग जाए। तो उस चीज़ को बचाने के लिए ये जो फ्यूज़ होता है ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि सर्किट को डैमेज होने से बचाता है और पॉसिबल फायर के चांसेस को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। फिर इसके बाद ए इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें अपने हाथों को सोप और वाटर से रेगुलरली वॉश करना चाहिए, तभी ये कोरोना हमारी दिल्ली, हमारे इंडिया और पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। सो फर्स्ट अप्लायंसेस इज इलेक्ट्रिक आयरन, एंड द सेकेंड इज इलेक्ट्रिक हीटर, थर्ड इज इलेक्ट्रिक केटल, फोर्थ इज हेयर ड्रायर, एंड फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक रॉड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड वी नॉट टच अ लाइटेड बल्ब। एक जलते हुए बल्ब को हमें क्यों नहीं टच करना चाहिए। वी शुड नॉट टच अ लाइटेड बल्ब बिकॉज द बल्ब हीट्स अप ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, एंड व्हेन वी टच इट इट कैन बर्न आवर हैंड्स। तो ऐसा ही हो सकता है ना, अगर आप जलते हुए बल्ब को छुएंगे तो आपका हाथ जल भी सकता है, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट के कारण वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए। लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।